मतलब एक स्कूल के साथ चल सकती हो पार्टी करने। और चल रही है ना, मैं हेल्प कर दूं? जली नहीं हो। मैं जला आप कौन? मैं ऐसे बैठा था, मैंने सोचा आ जाता हूँ कि हेल्प कर देता हूँ सिगरेट जलाने में। सो मच, मैं कर लूँगा। जलानी आती है आपको? आती है, वक्त है मेरा। तो मैं हेल्प कर देता हूँ, मैं जला देता हूँ। जला खींचो, हवा खींचो अंदर। अच्छा, हमको सिखा रहा है। जल गई ना? नहीं सही जली है, थोड़ी और जला देता हूँ। खींचो हवा, पीनी आती भी है। आपको क्या पूछना है? मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, मैं तो लग नहीं रहा जैसे आप जिस हिसाब से पी रही हो। पहली बार पी रही हो क्या? बताओ ना, कुछ तो बताओ। बता सकती हो आप चाहो तो। क्या पूछ रहे हैं आप ये सब? मतलब एक स्कूल की लड़की हो तुम। अबे साले, क्या लग रहा है आपको मैं मतलब ड्रेस पहनने की? कौन सी स्कूल की लड़की होगी? स्कूल की होगी ना, तो फिर स्कूल की लड़की सिगरेट भी पीती है क्या? आप होते कौन है ये बोलने वाले? होता तो कोई नहीं हूँ, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे यार। आप एज आपकी ज्यादा लग नहीं रही है, सिगरेट आप पिए जा रहे हो, आपको छिड़कना नहीं रहा है, उसके ऊपर ही उंगली मार रहे हो। तो क्यों पी रही हो, रीजन? आई थिंक पहली बार ही पी रही हूँ, कैसा लग रहा है? हाँ भाई हाँ, हाँ पहली बार। तभी ना तुमसे जल रही थी ना कुछ और। ये सब क्यों पूछ रहे हैं आप मुझसे? वैसे ही पूछ रहा हूँ, पूछ नहीं सकता। आप यहाँ बैठे क्यों, मतलब किसने बुलाया? ये मेरा है ना छपरा, इसलिए आके बैठ गया मैं यहाँ। आपको पैसे देने पड़ेंगे और बैठने के। आप पता है यहाँ टाइम पास कर रहे हैं और कुछ नहीं है? हाँ मैं टाइम पास कर रहा हूँ। क्यों? आपको पता है आपकी एज ये सिगरेट पीने वाली है नहीं, तो इसको ऐसे मारेंगे। क्या कर रहे हैं आप? दिमाग ठीक है आपका? फूंक देंगे इसको। नहीं देखो मैं एक चीज बताता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी करूँ मेरी मर्जी। अच्छा मुझे आप शेयर, आपने क्या किया ये आप शेयर कर सकते हो? मेरे से हुआ क्या, क्यों मतलब नशे की तरफ जा रहे हो आप? नहीं मुझे शेयर नहीं करना आपसे। क्यों नहीं करना? क्या करेंगे आपको शेयर करके क्या पता मैं आपको कुछ हेल्प कर पाऊँ? नहीं मुझे किसी भी कोई हेल्प नहीं चाहिए। थैंक यू। बता सकते हो आप इतना शक्ल से परेशान लग रही हो, क्या रीजन है? रीजन जानना है मेरे को बस सिर्फ। रीजन जानना है आपको? यस। बता सकते हो आप चाहो तो। कुछ नहीं बस यार, एग्जाम दिए थे 12th में, उसमें रिजल्ट आया, देखा तो मतलब फेल ही हो गई। यार देखो मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर फेल हो गए तो इसमें किसकी गलती है, आपकी या फिर एग्जामिनेशन की? किसी गलती है आपकी है ना, पढ़ाई नहीं की होगी तभी फेल हुए होगी। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान पढ़ा लिखा हो और जो पास आउट हो अच्छे नंबरों से वही लाइफ में कुछ करता है। आपको समझदारी के आपको समझदार होना चाहिए, आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फेल होगे तो इसका मतलब ये है कि आप नशा करोगे, दारू पियोगे, सिगरेट पियोगे, तो टेंशन में आप किसी से बात कर सकते थे, इतने सारे दोस्त होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं। कोई दोस्त नहीं होता किसी का, फेल के बाद कोई नहीं पूछता। ऐसा कुछ नहीं है, जो रियल दोस्त होते हैं, जो रियलिटी है यही है, जो पास जो हाईएस्ट मार्क्स आते हैं ना उन्हीं की चर्चा होती है, और फेल वालों का कोई कुछ नहीं पूछता। तुम्हें पता जितने भी बिलियनर हैं, मिलियनर हैं, जितने भी बड़े लोग हैं वो सारे कोई कॉलेज ड्रॉप आउट है, कोई स्कूल ड्रॉप आउट है। आपके मुंह से सुनने में अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, नहीं तो रियलिटी ऐसी कुछ नहीं है। मैं आपको रियलिटी की बता रहा हूँ, रियलिटी का एग्जांपल दे रहा हूँ कि इतने सारे लोग बिलियनर बन चुके हैं जो कि पढ़ाई को बोलते हैं कि हाँ ठीक है, करनी हो तो भी, ना करनी हो तो भी। इंसान में सिर्फ मेरा भी यही मानना है कि दिमाग होना चाहिए, एंड वो एक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान से बहुत ज़्यादा अर्न कर सकता है, दुनिया में सर्वाइव कर सकता है।
यार आप आने की बात कर रहे हो, मैं 12th में फेल हो चुकी हूँ, मैं कहाँ से क्या तो मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ, अगर आपको खुद पता है ना, अगर आप फेल हो गए हो तो उसका मतलब ये थोड़ी ना लाइफ खत्म हो गई है, अभी तो बहुत ऑप्शन है लाइफ में, ठीक है, अब दोबारा पढ़ाई करके अपना पास आउट कर सकते हो, कुछ बहुत बड़ी बात तो है नहीं इसमें, अगर आप ढंग से पढ़ाई करोगे तो इजीली आप पास कर जाओगे 12th क्लास को। आपने मुझे ये बातें समझा दी, लेकिन मेरे पेरेंट्स को कौन समझाएगा? मैं समझा दूँ, उनको तो ये लगेगा ना कि लड़की पढ़ना ही नहीं चाहती तभी फेल हो गई है। तो रीजन क्या आपका, आप क्यों फेल हो गई, क्या लगता है आपको, आपको क्या लगता है, आप अपनी थिंकिंग बताइए। ऐसा नहीं है कि मतलब एग्जामिनेशन में उन लोगों की कोई मिस्टेक हुई, बस मेरी तरफ से भी थोड़ी कमी है, क्योंकि पढ़ाई नहीं करी होगी आपने, दूसरी चीज़ों में ज़्यादा एक्टिविटी में ज़्यादा इंक्लूड रही होगी, यही कुछ रीज़न होते हैं ना। वो सब छोड़ो ना, कि ये देखो दिखाई देते, मैंने बॉडी कैसी बनाई है भाई? यार आपकी बॉडी तो बहुत अच्छी है। अच्छी है? पक्का? हाँ। मैं तुमसे पूछना चाहता था, तुम फेल होगी तो क्या होगा, मेरे साथ चल सकती हो पार्टी करने? पार्टी करने चलोगी? पार्टी करने वैसे मूड तो नहीं यार, मैं फेल हो चुकी हूं, मेरे को ऐसी मूड मूड बना देंगे, दिक्कत कहां आ रही है, चलें? चलो यहीं कहीं के पास में है, पास में ही है, बट रुको पहले, बैठो दो मिनट, बैठो, मेरा रीजन सुनो, अब मेरी आप पार्टी के लिए जाने के लिए रेडी हो गई हो, बट ये आपकी गलत सोच है, आप फेल हो गई तो आपको मेहनत करनी चाहिए और ज़्यादा अपने पेपर को लेके, ठीक है, पढ़ाई करनी चाहिए, तुम पास करो, ठीक है, उसके बाद मैं दूंगा तुम्हें एक ग्रैंड पार्टी, बट उससे पहले आपको पास होना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, डन? तो अब चलो घर चलो सीधा, और आज के बाद ये सिगरेट वगैरह पी तो बहुत ही बुरा होगा आपके साथ। नहीं नहीं आज के बाद मैं वो दे दूंगा श्राप, ठीक है? नहीं, आज मैं तुम्हें घर भी छोड़ देता हूँ, और अपना पढ़ाई पे ध्यान देना तुम, ठीक है, आ जाओ।